please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आप सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मुंबई में शेतकरी कामगार पक्ष के एमएलसी जयंत पाटिल का शाहरुख खान पर चिल्लाते हुए एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है ये वीडियो शाहरुख खान के जन्मदिन का है, जब उनके फैंस समंदर किनारे उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब खड़े थे और इसी दौरान एमएलसी जयंत पाटिल ने शाहरुख समर्थकों पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया और शाहरुख की नाव में जाकर जमकर हंगामा किया। एमएलसी जयंत का ये वीडियो वायरल होता हुआ दिख रहा है, जिसमें वो शाहरुख खान पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बताया जा रहा है कि ये वीडियो शाहरुख खान के जन्मदिन का है, जब उनके फैंस समंदर किनारे उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े थे। और इसी दौरान एमएलसी जयंत पाटिल ने शाहरुख समर्थकों पर धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया और शाहरुख की नाव में जाकर जमकर हंगामा किया। निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती पर सियासी घमासान तेज हो गया है। विरोध को हवा देते हुए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने फिल्म बनाने के मकसद पर सवाल उठा दिया और आरोप लगाया कि फिल्म को बनाने के लिए विदेशी ताकतों से पैसा मिला है। विदेशी ताकतें, खास तौर पर दुबई के लोग, सिनेमा के जरिए ये बनाने चाहते हैं हवा। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक फिल्म के जरिए जानबूझकर गलत इतिहास बताया जा रहा है ताकि हिंदुओं में एकता न आए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सुब्रमण्यम स्वामी ने फिल्म पद्मावती पर हो रहे विरोध को भी जायज माना और फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली की जांच की मांग की। वहीं राजस्थान सरकार भी इस विवाद में कूद पड़ी और फिल्म पद्मावती के रिलीज से पहले उसकी पड़ताल के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया। इसको जब तक देख करके समझ करके रिपोर्ट नहीं आए, तब तक सामने वाले को हम इस बात के लिए कैसे प्रभावित करेंगे। गुलाब चंद कटारिया के मुताबिक इस मामले में संजय लीला भंसाली से बात की जाएगी और अगर फिल्म में आपत्तिजनक सीन हुए तो उन्हें हटाया जाएगा। पद्मनी से वीरांगनी है जिसने इस इतिहास को बनाया है, तो हमें उसकी, सारे समाज को भी इसकी चिंता करनी। गुलाब चंद कटारिया ने साफ किया कि फिल्म पद्मावती पर बैन नहीं लगाया जाएगा और ना ही इस मामले में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत होगी। वहीं फिल्म निर्देशक अशोक पंडित भी खुलकर संजय लीला भंसाली के समर्थन में खड़े हुए और उन नेताओं पर निशाना साधा जो फिल्म पर एतराज जता रहे हैं। अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में वो उन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। लेकिन फिल्म पद्मावती से जुड़े विवाद में सेंसर बोर्ड के सदस्य भी शामिल हो गए। सेंसर बोर्ड के सदस्य ने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए संजय लीला भंसाली के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर संजय लीला भंसाली पर राष्ट्रद्रोही का केस चलाकर इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिल्म पद्मावती को अभी सेंसर बोर्ड ने नहीं देखा है। सेंसर बोर्ड के सदस्य के मुताबिक फिल्म के ट्रेलर से पता चलता है कि इसमें इतिहास से छेड़छाड़ की गई है और रानी पद्मावती की गलत तस्वीर पेश की गई। जबकि सेंसर बोर्ड के एक और सदस्य विजय सिंह के मुताबिक फिल्म से जुड़ा विवाद प्रचार का तरीका हो सकता है, क्योंकि इससे पहले यह हथकंडा दूसरी फिल्मों में भी आजमाया गया है। तो सेंसर बोर्ड हमेशा से फिल्म वालों के लिए पब्लिसिटी का साधन रहा है, लेकिन सेंसर बोर्ड की ओर से हरी झंडी मिलने से पहले ही फिल्म पर घमासान जारी है और इसी सिलसिले में राजस्थान में राजपूत समाज ने सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए। संस्कारों को ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं और हम आज उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं कि कल हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो क्या ये देखेगी। राजपूत समाज ने फिल्म को रिलीज करने से पहले इसे इतिहासकारों को दिखाए जाने की मांग। लखनऊ के शिरोज हैंगआउट में लेक्चरर फेस्टिवल में कन्हैया कुमार को मंच पर बोलते ही बवाल शुरू हो गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध के बाद एबीवीपी और कन्हैया कुमार के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे भी लगे, साथ ही कन्हैया कुमार वापस जाओ के नारे भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लगाए। लंदन के एक बार में हेलमेट पहने हुए एक चोर घुसा और एक महिला का लैपटॉप छीनकर भागने लगा। इस चोरी की ये पूरी करतूत बार के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
जिसमें देखा जा सकता है कि बार के अंदर एक कर्मचारी अपने काम में मशगूल था और महिला मैनेजर लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी हेलमेट पहने एक आदमी बार के अंदर घुसा और टेबल पर रखे लैपटॉप को उठाकर तेजी से बाहर भाग गया, लेकिन तभी महिला ने लैपटॉप का तार पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और दोनों के बीच जोर आजमाइश शुरू हो गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद महिला ने चोर के हाथों से लैपटॉप खींच लिया और चैन की सांस ली, लेकिन थोड़ी ही देर में चोर फिर से बार के अंदर घुसा, लेकिन इस बार वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे डराकर भगा दिया। दिल्ली में धुएं वाले कोहरे की वजह से बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार की तैयारी शुरू हो गई। गैस चैम्बर बन चुके दिल्ली में हेलीकॉप्टर से जल्द ही पानी बरसाया जा सकता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ने दिल्ली में पानी छिड़काव के लिए हामी भर दी और इस सिलसिले में दिल्ली सरकार और पवन हंस कंपनी के अधिकारियों के बीच आज मुलाकात होगी। 9 नवंबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने हेलीकॉप्टर कंपनी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में पानी के छिड़काव के लिए मदद मांगी थी। दिल्ली के पास नोएडा में एक प्रदूषण जांच केंद्र पर कुछ लोग अपनी गाड़ियों की जांच करवाते दिखाई दिए, क्योंकि यूपी सरकार ने एनसीआर के तहत आने वाले राज्य के 8 जिलों में चल रही पुरानी गाड़ियों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है और इसी आदेश के तहत अब नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली, बागपत और हापुड़ में प्रशासन ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को जब्त करने का फैसला किया। इसका मकसद प्रदेश की दूषित हो रही आबोहवा को साफ रखने का है। 10 साल से पुरानी डीजल वाहनों को और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सीज करने के आदेश हम लोगों ने दिए हैं। एनजीटी और सरकार के आदेश पर नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन ने पुरानी गाड़ियों को लेकर सख्ती दिखानी शुरू भी कर दी है। साल पुराने वाहनों को सीज कर दिया जाएगा, जिनकी संख्या लाखों में होगी तो शायद ऐसे प्रदूषण और घने कोहरे से लोगों को निजात मिल सके। क्योंकि एनसीआर के जिलों में स्मॉग का सबसे ज्यादा असर हाल के दिनों में देखने को मिला है, जिसे लेकर प्रशासन बेहद गंभीर है। यही वजह है कि प्रशासन अब प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को रियायत नहीं देने के मूड में है और सरकार की ओर से हुई सख्ती का कुछ गाड़ी मालिक भी समर्थन कर रहे हैं। आज की स्थिति देखते हुए तो बंद होने चाहिए। हालांकि ट्रक ड्राइवरों का मानना है कि सरकार के इस आदेश से उनकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ेगा। रोजी रोटी थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेना 10 के बजाय 15 साल हो जाए। जानकारी के मुताबिक प्रदूषण को लेकर एनजीटी की फटकार के बाद ही यूपी सरकार पुरानी गाड़ियों पर सख्त हुई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में शुक्रवार को पुलिस चौकी पर आतंकियों ने हमला किया। हालांकि आतंकियों की फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने आतंकियों को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में तलाशी अभियान छेड़ दिया है। असम के गुवाहाटी में वित्त मंत्री अरुण जेटली एक बैठक में पहुंचे। ये बैठक जीएसटी काउंसिल की थी और इस बैठक में उनके साथ वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और वित्त सचिव हसमुख अढ़िया के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि 28% के टैक्स स्लैब में अब सिर्फ 50 चीजें ही होंगी। 178 आइटम्स 28 से 18 में ट्रांसफर किए गए। 5 अलग अलग टैक्स स्लैब वाले जीएसटी के सबसे महंगे खाने में तकरीबन 200 चीजें शामिल थी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर हमले झेल रही मौजूदा सरकार की ओर से आम लोगों को ये बड़ी राहत है। गुवाहाटी में 2 दिन चली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद सरकार ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक जीएसटी के 28% स्लैब में अब सिर्फ 50 लग्जरी सामान रखे गए हैं, जबकि 177 चीजों को 28% जीएसटी के दायरे से हटाकर 18% के स्लैब में रखा गया है। इसमें वॉशिंग पाउडर, डिओड्रेंट, ग्रेनाइट और मार्बल समेत कई सामान शामिल है। इस फैसले से सैनिटरी सूटकेस, प्लाईवुड, स्टेशनरी और खेल का सामान सस्ते हो सकते हैं, जबकि पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तंबाकू जैसे सामान कोई राहत इन पर नहीं मिलने के आसार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार जीएसटी को लेकर दबाव में है और विपक्ष उस पर हमलावर है। इसीलिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला इस फैसले का क्रेडिट अपनी पार्टी को देने से नहीं चुके। हालांकि उन्होंने इस फैसले को भी जनता के लिए नाकाफी करार दिया। मोदी जी ये जान लें कि जो उनका जीएसटी है वो आज भी गब्बर सिंह टैक्स है। दरअसल गुजरात और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस ने नोटबंदी के साथ जीएसटी को बड़ा मुद्दा बना रखा है। नक्सलियों ने लैंडस्माइन से विस्फोट किया। इस विस्फोट में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट समेत 4 जवान घायल हो गए। ये जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन में निकले हुए थे। हमले के बाद घायल जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। जिस इलाके में विस्फोट हुआ वो बूढ़ा पहाड़ से सटा हुआ है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के लिए सुरक्षित इलाका माना जाता है।
दिल्ली में एनजीटी कोर्ट के बाहर एक वकील ने मीडिया से बात करनी शुरू की और बताया कि दिल्ली में और इवन लागू करने के मामले पर एनजीटी शनिवार को भी सुनवाई करेगी। जबकि शनिवार को कोर्ट की छुट्टी होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि एनजीटी में शुक्रवार को ही सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार की ऑड इवन स्कीम फंसी हुई दिखने लगी है। एक स्पेशल बेंच बैठ रही है एनजीटी की और उसमें ये फिर से डिस्कस होगा और दिल्ली सरकार को बताना पड़ेगा कि ये ऑड इवन क्यों सही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पिछली बार ऑड इवन से दिल्ली की हवा बेहतर होने की बजाय और भी जहरीली हुई थी, जिसका जिक्र प्रदूषण की निगरानी करने वाली एजेंसियों और आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में किया गया है। ऑड इवन के टाइम पे जो प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं, प्रेस्क्राइब जो स्टैंडर्ड्स हैं, उससे मल्टीपल टाइम ज्यादा रहे थे। यही वजह है कि एनजीटी ने ऑड इवन लागू करने का फैसला लेने वाली दिल्ली सरकार को सुनवाई के दौरान कड़ी फटकार लगाई और सरकार से ये पूछा कि किस आधार पर प्रदूषण कम करने के लिए ऑड इवन को लागू करने का फैसला लिया गया है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने पूछा कि ऑड इवन के दौरान प्रदूषण घटेगा, दिल्ली सरकार ये साबित करे। एनजीटी ने पूछा कि आखिर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का दिल्ली की जहरीली हवा में कितना हिस्सा है। एनजीटी ने कहा कि सरकार को ये बताना होगा कि दिल्ली की हवा पर ऑड इवन का क्या और कितना असर पड़ेगा। एनजीटी ने यह भी पूछा कि आखिर महिलाओं और बाइक सवारों को ऑड इवन के दौरान छूट क्यों दी जाएगी। एनजीटी ने साफ कहा कि जब तक सरकार कोर्ट को संतुष्ट नहीं करती, तब तक दिल्ली में ऑड इवन को लागू नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार के लिए एनजीटी का फैसला एक बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि सरकार 13 अप्रैल से ऑड इवन को लागू करने का ऐलान भी कर चुकी थी और पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइडेड कि 13 से 17 अक्टूबर ऑड इवन नवंबर रोल आउट होगा। ऊपर से मौसम विभाग ने भी उम्मीद जताई है कि 13 अप्रैल से हवाओं का रुख बदलने वाला है, जिससे दिल्ली को धुएं वाले कोहरे से राहत मिलेगी। इसके अलावा 14 से 16 अप्रैल के बीच दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश की भी संभावना है। 14 से लेके ऑलमोस्ट 16 तक वो टाइम पर थोड़ा प्लेन्स में बारिश का भी संभावना है। यानी मौसम विभाग के मुताबिक ऑड इवन लागू हो या ना हो, 13 से 17 अप्रैल के बीच प्रदूषण से राहत मिलनी तय है। इसीलिए सरकार के इस कदम पर सियासत भी तेज हो गई है। आरोप लग रहे हैं कि जब प्रदूषण खुद ब खुद कम होने वाला है, तब दिल्ली सरकार ऑड इवन लागू कर वाहवाही लूटना चाहती है। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने आम आदमी पार्टी पर प्रदूषण के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली की जनता सारी गैस चैम्बर बन चुकी है और तब आप अचानक उठते हैं और कहते हैं कि 5 दिन की हम ऑड इवन करेंगे। कांग्रेस ने भी इसे नौटंकी करार दिया। ट्रैफिक कम चलेगा सड़कों के ऊपर, लेकिन पोल्यूशन उससे कम नहीं होगा। हर साल एक नौटंकी शुरू होती है। पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने भी पलटवार किया। ऑड इवन कोई सलूशन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म हल नहीं निकलता। 5 दिन की ऑड इवन स्कीम एनजीटी के आदेश और विपक्ष के हमलों के बाद सरकार के गले की फांस बन गई है। दिल्ली में ऑड इवन के दौरान दिल्ली परिवहन या निगम यानी DTC को करीब 9.5 करोड़ के नुकसान होने की संभावना है। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक 13 नवंबर से 17 नवंबर तक ऑड इवन का नियम लागू होगा। इस दौरान DTC और क्लस्टर बसों में लोग मुफ्त सफर कर सकेंगे। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि लाखों की संख्या में निजी गाड़ियों को सड़कों पर आने से रोका जाए, जिससे प्रदूषण पर लगाम लग सके। बता दें कि DTC के पास 4000 बसें हैं, जिसमें रोजाना 28 लाख यात्री सफर करते हैं, जिसके बदौलत DTC को करीब 1.88 करोड़ की कमाई होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में ट्रंप ने भारत के जोरदार विकास के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। एनजीटी के मुताबिक दिल्ली में निर्माण पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। BSF के साथ बातचीत के लिए भारत आया पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल स्वर्ण मंदिर भी गया। राजस्थान के जोधपुर में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मौत के मामले बढ़ रहे हैं। पेरू फुटबॉल टीम के समर्थकों ने 11 मीटर लंबी टी शर्ट के साथ मार्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण के लिए कृषक समृद्धि आयोग के गठन की घोषणा की। बिहार के शिवहर में स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय बनाने के काम में 4 करोड़ का घोटाला सामने आया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के विरोध में प्रदर्शन हुआ।
यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद और पार्टी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी ने खुलकर राजनीति में परिवारवाद पर निशाना साधा। वरुण के मुताबिक अगर वो गांधी नहीं होते तो 29 साल की उम्र में उन्हें लोकसभा सांसद बनने का मौका नहीं मिलता। वरुण के मुताबिक गैर राजनीतिक परिवारों के लोगों को प्रतिभा के आधार पर राजनीति में आना चाहिए, न कि जाति और धर्म के मुद्दों पर। राइट टू रिकॉल की वकालत करते हुए वरुण ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करते तो उन्हें चुनने वाले लोगों को वापस बुलाने का अधिकार भी मिलना चाहिए। अगर मेरे नाम के आगे गांधी नहीं होता तो क्या मैं 29 इयर्स की उम्र में एमपी बनता? मैं नहीं बनता। क्या आज मुझे इतने लोग सुनने आते? नहीं आते। कोई और एमपी के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। गुजरात में अहमदाबाद में पाटीदार लोगों की एक सोसाइटी के गेट पर हार्दिक पटेल के खिलाफ एक पोस्टर लगा नजर आया। इस सोसाइटी के लोगों के मुताबिक पाटीदारों को आरक्षण दिलाने की आड़ में हार्दिक पटेल अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हार्दिक पटेल और अनामत आंदोलन समिति के लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया। पोस्टर में लिखा है कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की गंदी राजनीति करने वाले लोग सोसाइटी में प्रवेश नहीं कर सकते। समाज के नाम पर, सरदार पटेल के नाम पर ये जो सौदेबाजी कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। लोगों के मुताबिक हार्दिक पटेल आरक्षण के लिए कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं, जो उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो हमारे साथ है ना, है या नहीं है वो हमें कोई इससे कंसर्न नहीं है, पर वो कांग्रेस के साथ तो नहीं होना चाहिए, वो सब गलत स्टेप है। लोगों का ये आरोप भी है कि पाटीदार समाज को आरक्षण दिलाने के नाम पर हार्दिक पटेल ने उनसे दगा किया है और अब वो खुलकर हार्दिक पटेल के विरोध में खड़े हो गए हैं। लोगों ने दावा किया है कि पाटीदार समाज ने हार्दिक पटेल को कभी भी अपना नेता नहीं चुना, बल्कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हार्दिक पटेल ने खुद ही पाटीदार समाज का झंडा अपने हाथ में उठा लिया। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि पाटीदारों की आड़ में हार्दिक पटेल सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। वो तो अपना रोटी सेकता है। कुछ लोगों ने तो कांग्रेस के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए हार्दिक पटेल को गद्दार तक करार दिया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ गद्दारी की है, काम करा ही नहीं है पाटीदारी के लिए, उन्होंने अपना घर भरा। जिस सोसाइटी के गेट पर ये पोस्टर लगाए गए हैं वो अहमदाबाद का मणिनगर इलाका है, जहां से लंबे वक्त से बीजेपी ही जीतती आई है। ऐसे में पाटीदार नेताओं ने पोस्टर लगाने का आरोप बीजेपी पर लगाया और पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की कन्वीनर जयेश पटेल ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बौखलाहट में यह हरकत की है। पोस्टर वॉर में बीजेपी माहिर है, पहले से भी माहिर है, लेकिन मणिनगर की सोसाइटी के लोगों ने उनके आरोपों को गलत बताते हुए साफ किया कि वो बीजेपी के पक्ष में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बार बार इलेक्शन जीतती आई है, ये अलग बात है, पर ऐसा नहीं है। हालांकि बीजेपी को जवाब देने के लिए पाटीदार नेताओं ने सूरत के कुछ इलाकों को चुना और वहां बीजेपी विरोधी पोस्टर लगाकर उनके खिलाफ मोर्चा खोला। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेता सैयद अली शाह गिलानी के वकील देवेंद्र सिंह बहल के ने विवादित बयान दिया। बहल ने कश्मीर घाटी में मुठभेड़ के दौरान मारे गए जो आतंकी है वसीम को उसको शहीद बताया। पुलवामा में कुछ दिन पहले मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल के हाथों आतंकी वसीम मारा गया था, जिसके परिजनों से मिलने वकील देवेंद्र सिंह बहल वहां पहुंचे थे, जहां बहल ने यह भी कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आतंकियों और उसके परिवारों के साथ खड़ी है। बता दें कि टेरर फंडिंग के आरोप में एनआईए ने देवेंद्र सिंह बहल को भी गिरफ्तार कर किया था। सईद अली शाह गिलानी साहब की तरफ से यहां आया हूं और गिलानी साहब ने मुझे कहा है कि दविंदर तुम वहां जाओ और जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके घर में जाके उनको ये अफसोस करो और कहो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जितने भी जम्मू कश्मीर के अवाम हैं वो इस परिवार के साथ खड़े। अफगानिस्तान के हेलमंद में कुछ लोग एक एम्बुलेंस से एक घायल आदमी को उतारकर स्ट्रेचर पर लिटाने लगे। यहां पुलिस स्टेशन के कंपाउंड को निशाना बनाकर एक आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिस वालों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस कंपाउंड में कार में बैठे एक आतंकी ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस धमाके के बाद ये पुलिस कंपाउंड पूरी तरह तबाह हो गया। हमले के बाद यहाँ बड़ी तादाद में सुरक्षा बल के जवान पहुँचे और तबाह हो चुके पुलिस स्टेशन की छानबीन करने लगे। अधिकारियों के मुताबिक ये एक आतंकी हमला भी हो सकता है। फिलहाल इस धमाके की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। वियतनाम में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज गया।
एपीईसी समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों की तारीफ की। ट्रंप के मुताबिक भारत में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और पीएम मोदी भारत जैसे विशाल देश और उसके लोगों को एकजुट करने के लिए बेहद कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक भारत अपने लोकतंत्र के लिए जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। Prime Minister Modi has been working to bring that vast country and all of its people together as one, and he is working at it very, very successfully indeed. दिल्ली के जसवाला विहार इलाके के एक बिल्डिंग के गिरते ही लोगों के लिए आफत खड़ी हो गई। इस बिल्डिंग के एक तरफ झुकने की शिकायत एमसीडी को दी गई थी, जिसके बाद एमसीडी के अधिकारियों ने पहुंचकर बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू की और कुछ ही सेकंड में 5 मंजिला इमारत किसी खिलौने की तरह जमींदोज हो गई। अचानक धूल का गुबार उठा और बिल्डिंग अपनी जगह से गायब हो गई। बिल्डिंग के गिरने से कुछ आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन एहतियातन केवल बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी घर खाली करा लिए गए थे। मैंने एमसीडी अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और वो बिल्डिंग एक तरफ झुकती जा रही थी, जिसको हमने जल्दी से जल्दी खाली कराया गया। जिस 5 मंजिला बिल्डिंग को गिराया गया उसमें रहने वाले लोग तो बेघर हो ही गए, पूरे इलाके के लिए भी नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि बिल्डिंग का मलबा इस इलाके के नाले में जाकर गिरा और नाले का पानी मोहल्ले में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों के घरों में भी कई कई फीट तक पानी भर गया, गलियों में सन्नाटा पसर गया, चलने के लिए लोग घुटने तक कपड़े चढ़ाने को मजबूर हैं। इलाके की सूरत किसी बाढ़ग्रस्त इलाके जैसी हो गई। पानी लोगों के घरों में भरा होने की वजह से लोगों की परेशानियां तो बढ़ ही गई हैं, बीमारियां फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। सरकारी अधिकारी टूटे हुए नाले की मरम्मत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, ताक गया है। ताकि जल्द से जल्द हालात ठीक किए जा सके। पाकिस्तान सरकार वहां की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत देगी। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक ये फैसला मानवता के आधार पर लिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को एक डिप्लोमेटिक नोटिस भेजा। बता दें कि जाधव भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अफसर हैं और पाकिस्तान में अशांति फैलाने और जासूसी करने के आरोप में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस पर रोक लगा दी, तब से ये मामला आईसीजे में चल रहा है। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कोली समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राजू सोलंकी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बिहार की राजगीर में देश भर के ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिन तक होने वाली बैठक स्थगित करने पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर करोड़ों बर्बाद करने का आरोप लगाया। आरबीआई ने बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वो 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को बैंकिंग सुविधाएं घर पर मुहैया करवाए। यूपी में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी सोमवार को संकल्प पत्र जारी करेगी, जिसमें गौशाला और टॉयलेट जैसे मुद्दों को अहम एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया है कि 1 दिसंबर से सभी टोल प्लाजा डिजिटल हो जाएंगे, जिससे टोल टैक्स चुकाने के लिए लोगों को रुकने की जरूरत नहीं होगी। यूपी के कानपुर में निकाय चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भतीजे की पत्नी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भाजपा में मांगने वाले 10 लोग होते, मिलता 1 को टिकट। बीसीसीआई ने नारा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की खिलाड़ियों के डोप टेस्ट करने की मांग ठुकराते हुए साफ कर दिया कि बोर्ड का अपना सिस्टम काफी मजबूत है। फिल्म पद्मावती पर हो रहे विवाद के बीच दीपिका पादुकोण आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंची। अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन और राजकुमार राव की फिल्म फन्ने खां अगले साल ईद पर रिलीज होगी। कपिल शर्मा की फिल्म फिरंगी का गाना साहिबा रुस गई रिलीज हो गया। सलमान और जैकलीन की फिल्म रेस 3 की शूटिंग शुरू हो गई। राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म शादी में जरूर आना रिलीज हो गई। पिंक में ना आप एकदम जूही चावला लगते हैं। आप तो हर रंग में शाहरुख खान लगते हैं। अच्छा, शाहरुख मिश्रा। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। ये सभी कार्यकर्ता टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए विरोध में सड़क पर उतरे थे।
और कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए भारी तादाद में पुलिस के जवान भी मौजूद थे, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों के सामने कुछ देर तक पुलिस भी बेबस नजर आई। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता जमीन में बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जिसे देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और लोगों को हिरासत में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कर्नाटक राज्य के ऊपर। पूरा कर्नाटक राज्य में किसी भी हालत में टीपू जयंती होने के लिए हम लोग नहीं देते। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। लेकिन बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। टीपू सुल्तान की जयंती का विरोध बीते कई दिनों से चल रहा था, लेकिन बीते रोज इस मामले ने उस वक्त ज्यादा तूल पकड़ लिया जब कर्नाटक के मेदिकेरी में कुछ लोगों ने एक बस डिपो में पथराव किया। इस दौरान इलाके की कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। मामले को बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लेने के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी। राज्य सरकार को आशंका थी कि बेंगलुरु में भी कुछ प्रदर्शनकारी हंगामा कर सकते हैं, इसीलिए वहां पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बेंगलुरु के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा बिठाकर सरकार ने बीजेपी के प्रदर्शन को नाकाम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कर्नाटक के बाकी हिस्सों में वो बीजेपी के प्रदर्शन को करने से रोक नहीं पाई। बेंगलुरु की चाक चौबंद सुरक्षा के बीच कुछ मुस्लिम संगठनों के लोग टीपू सुल्तान के महल पर जुटे और टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाकर उनके समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान हाथ में एक छोटी सी तलवार थामे टीपू सुल्तान के भेष में एक बच्चा भी वहां मौजूद था। मुस्लिम संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता टीपू सुल्तान के नाम को खराब करके गंदी राजनीति कर रहे हैं। Such a great martyr, now politicizing his name, just being he's a Muslim leader, it is unfortunate. इन लोगों ने टीपू सुल्तान को शहीद का दर्जा दिया और उनकी जयंती को आजादी के जश्न की तरह मनाने की बात कही। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है, एक आजादी का दिन है। आज टीपू सुल्तान जैसे ये शहीद मैसूर के शेर के नाम से आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसकी खुशी मना रहे हैं यहाँ। टीपू सुल्तान को लेकर बीते कुछ दिन से घमासान जारी है। सिद्धरमैया सरकार 2 साल से टीपू जयंती मना रही है और बीजेपी समेत कुछ दल उसके विरोध पर अड़े। ताज़ा खबर में बस इतना ही, आप देखते रहिए News18 India। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर से पानी के छिड़काव के लिए तैयारी। पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की पत्नी को मानवीय आधार पर पति से मिलने की इजाजत। एपेक्स समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विकास के लिए पीएम मोदी को जमकर सराहा। मोदी हैज बीन वर्किंग to bring that vast country and all of its people together as one, and he is working at it very, very successfully indeed. पुणे यूनिवर्सिटी के फरमान के मुताबिक मांसाहारी होने पर छात्र गोल्ड मेडल पाने के लिए काबिल नहीं होंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस चौकी पर आतंकियों ने फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर गोलाबारी से बचाव के लिए पाकिस्तान सीमा पर अपने नागरिकों के लिए बंकर बनाएगा। लखनऊ में News18 India हिंदुस्तान के समागम में जुटेंगे सीएम योगी, अखिलेश, रविशंकर प्रसाद समेत बड़े दिग्गज।